आज मैं आपके लिए हिंदी में चार खंड हैं। सबसे पहले हिंदी गद्य है, जिसमें ये कोरोना की वजह से कुछ पाठ कम हो गए हैं, कोविड-19 की वजह से। तो उसमें गद्य में मात्र दो पाठ रह गए हैं। एक तो पहला है पद्म पुन्नालाल बख्शी का, क्या लिखूं, और दूसरा पाठ है गद्य में ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसी तरीक़ा से दो पाठ गद्य में हैं, दो ही पाठ संस्कृत में रह गए हैं। वैसे एक गद्य, दूसरा पद्य काव्य संकलन है, काव्य खंड है, तीसरा आपका संस्कृत का है, और चौथा एक खंड काव्य है, करण खंड का। तो आज हम हिंदी में दूसरा खंड संस्कृत का पढ़ाएंगे, अनियुक्ति विलासा। पाठ का नाम है अनियुक्ति विलासा। अनियुक्ति विलासा का मतलब है अन्य युक्तियों का सौंदर्य, अन्य युक्तियों का सौंदर्य। तो देखें, सभी किताब खोलें और इसमें पाठ, वैसे तो प्रथम है, लेकिन पूर्व की किताबों में, जो पुरानी किताबों में पाठ द्वितीय है संस्कृत में। तो देखें, नेत्राम नीचो अस्मि तोम खेदम कूपम कदापि मा कृता, ये पहला श्लोक है। तो देखें, फिर दोबारा देखिए, नेत्राम नीचो अस्मि तोम खेदम कूपम कदापि मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यता परेशाम गुण गृहितासी। देखिए, इसमें संस्कृत के कवि कुआ के विषय में बता रहे हैं। जो कूप होता है, जिससे पहले हम लोग, अब से 20-30 साल पहले पानी पीने के लिए कुएं से जल निकालते थे, घड़े से या बाल्टी के द्वारा। तो उसमें यहाँ पर कवि कुएं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देखिए, हे कूप, आप इस बात का दुख ना करें। देखिए, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि हे कूप, आप इस बात का दुख ना करें कि आप अत्यधिक नीच हैं। आप का हृदय अत्यंत सरस है और आप दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, अर्थात रसी को। तो देखिए, अब मैं संस्कृत में श्लोक पढ़ाता चलूँगा और उसके साथ साथ जो काठिन्य निवारण शब्द हैं उनका भी अर्थ बता रहा हूँ। नेत्राम मानी अत्यधिक, नीचो अस्मि मानी मैं अत्यधिक नीच हूँ। नेत्राम मानी अत्यधिक, नीचो अस्मि नीच हूँ। तोम मानी तुम, खेदम मानी दुख, कूप मानी कुआ या कूप, कदाप मानी कभी भी, माँ मानी मत, कृता मानी कहो। हे कूप या हे कुआ, आप इस बात का दुख मत करो कि मैं अत्यंत नीचा हूँ या मैं अत्यधिक गहरा हूँ। अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है, अर्थात तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। यता परेशान, और तुम दूसरों के, परेशान मानी दूसरे के गुण ग्रहतासी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले। फिर यही श्लोक का अर्थ फिर दोबारा देखिए, नेत्राम मानी अत्यधिक, नीचो अस्मि मैं नीच हूँ, मैं अत्यधिक नीच हूँ। तुम मानी तुम, खेदम मानी दुख, कूप मानी कुआ, कदाप मानी कभी भी, माँ मानी मत, कृता मानी करो। हे कूप, तुम इस बात का दुख कभी भी मत करो कि मैं अत्यधिक नीच हूँ। अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है या कोमल है। सरस मानी कोमल या सरस, दोनों आप लिख सकते हैं। तो अत्यंत सरस हृदयो, आपका हृदय अत्यंत सरस है या कोमल है। परेशान मानी दूसरे के, गुण गृहतासी मानी गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे कूप, तुम इस बात का दुख मत करो कि मैं अत्यंत नीच हूँ, तुम्हारा हृदय अत्यंत
कोमल है और तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक देखिए, नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेके हंसा लस्सी त्वेमेव तनुषे चेता विश्व अस्मन् धुन्याय कुल वृतम पालयति का। तो अब इसका अर्थ देखें, का माने कौन। देखिए दूसरे श्लोक में अंतिम शब्द का है, का मतलब होता है कौन, प्रश्नवाचक चिन्ह है। का माने कौन, तो देखें नीर क्षीर विवेके, नीर माने पानी या जल, क्षीर माने दूध, जल और दूध को, विवेके माने अलग अलग करने में, हंसालस्य, हंस आलस करोगे, त्वेमेव माने तुम, हे हंस तुम ही दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस करोगे, तनुषे माने मन से, तनुषे चेता मन से, हे हंस तुम ही दूध और पानी को अलग अलग करने में मन से आलस करोगे, विश्व असमन धुन्नाय, विश्व माने संसार में, अस्य माने इस संसार में, कुल वृतम अपनी कुल की मर्यादा का, पालयति माने पालन, का माने कौन करेगा, का माने कौन करेगा, हे हंस तुम्हें दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस करोगे, तो फिर इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। फिर देखें दोबारा, देखिए एक कहावत है कि हंस दूध को, दूध और पानी को मिला करके रख दिया जाए तो दूध को वो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। यही बात यहाँ पर कवि ने कहा है कि नीर क्षीर विवेके, कि नीर मानी पानी और क्षीर मानी दूध को, विवेके मानी ज्ञान से अलग अलग करने वाले, हंस आलस, हे हंस तुम ही आलस करोगे, तो मैं मानी तुम ही हे हंस तुम ही दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस करोगे, तनुषा चेता मन से, हे हंस तुम ही मन से दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस करोगे, तो विश्व असमन धुन्नाय, तो फिर इस संसार में कुल वृतम पालयति का, तो फिर इस संसार में कुल वृतम अपनी कुल की मर्यादा का, कुल वृतम मानी अपने कुल की मर्यादा का, पालयति मानी पालन करेगा, का मानी कौन, हे हंस तुम्ही दूध और पानी को अलग अलग करने में मन से आलस करोगे, तो फिर इस संसार में कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। तीसरा श्लोक देखें, कोकिल यापय दिवसान ताबत बिरसान करील बिटपेशु। देखिए इस तीसरे श्लोक में कवि ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए अपने बुरे दिन कहीं भी बिता लेने चाहिए जब तक कि उसके अच्छे दिन ना आ जाए। यही बात यहाँ पर कवि कोयल से कह रहे हैं कि कोकिल, हे कोयल यापय दिवसान, यापय मानी जब तक, दिवसान मानी दिनों को, ताबत मानी तब तक, बिरसान मानी बिता लो, करील बिटपेशु मानी कटीले वृक्षों पर ही, हे कोयल तुम अपने बुरे दिनों को कटीले वृक्षों पर ही बिता लो, याव अमिल दलमाला कोपि रसाला सम उलसती। याव अमिल दलमाला मानी जब तक कि, रसाला मानी आम के वृक्ष पर, सम उलसती मानी बौर ना आ जाए, हे कोयल तुम अपने बुरे दिनों को कटीले ही वृक्षों पर बिता लीजिए जब तक कि आपके अच्छे दिन ना आ जाए, अर्थात जब तक बसंत ऋतु नहीं आ जाती तब तक, हे कोयल तब तक तू अपने
बुरे दिनों को कटीले वृक्षों पर ही बिता ले, अर्थात जब तक कि आम के वृक्ष पर बौर ना आ जाए। अगला देखें, चौथा श्लोक, रे रे चातका सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम। यहाँ पर कवि पपिया से, पपिया के लिए शिक्षा देते हैं कि हे मित्र पपिया, तू हर किसी को देख करके या थोड़े से भी बादल तूने देखे और तू उनसे पानी की मांग करने लगता है। एक कहावत है कि पपिया वर्ष में मात्र स्वात नक्षत्र की बूंद का पान करता है, और स्वात नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक है स्वात नक्षत्र, और उस नक्षत्र में यद बरसात होती है तो पहली बूंद को पपिया जल पीता है। तो यहाँ पर वही बात कही है कि रे रे चातक, अरे अरे पपिया, चातक मानी पपिया, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्रम मानी मित्र, क्षणम मानी क्षणभर, सूर्यताम मानी सुनो। हे मित्र पपिया, सावधान मन से क्षणभर मेरी बात को सुनो। कवि कह रहे हैं पपिया से कि हे मित्र पपिया, सावधान होकर क्षणभर मेरी बात को सुनो। अम्बोदा बहवो बसंत, अम्बोदा मानी बादल, बहवो मानी बहुत से, बसंत मानी रहते हैं, गगने मानी आकाश में, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैता दर्शा, सर्वे अपि मानी सभी, और नैता दर्शा मानी समान, सभी समान नहीं होते। सर्वे अपि मानी सभी और नैता दर्शा मानी समान नहीं होते। हे मित्र पपिया, सावधान होकर क्षणभर मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं लेकिन सभी समान नहीं होते। केचित ब्रष्टप आद्रयंती वसुधाम, केचित मानी कुछ, ब्रष्टप आद्रयंती वर्षा करके भिगो देते हैं, कुछ तो वर्षा करके भिगो देते हैं, वसुधाम मानी पृथ्वी को, कुछ तो बादल वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जंत केचित व्यथा, और केचित मानी कुछ और व्यथा मानी बेकार की, गर्जंत मानी गर्जना करके चले जाते हैं। कुछ तो बादल वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ बेकार की गर्जना करके चले जाते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य, अर्थात हे मित्र पपिया, तुम यम यम मानी जिस जिस को तुम देखते हो, उस तस्य पुरतो माँ ब्रूहु दीनम बचा, अर्थात उससे आप दीन वचन मत बोले। फिर एक बार देखिए, इसका अर्थ संस्कृत है और ये संस्कृत में काव्य है इसलिए थोड़ा कठिन है, तो एक बार और देख लें। रे रे चातका, अरे अरे पपिया, सावधान मनसा मित्रम, सावधान मन से मित्रम, मित्रम मानी मित्र, हे मित्र पपिया, सावधान होकर क्षणम सूर्यताम, क्षण भर मेरी बात को सुनो। हे मित्र पपिया, सावधान होकर क्षण भर मेरी बात को सुनो। अम्बोदा बहवो बसंत, अम्बोदा मानी बादल, बहवो मानी बहुत से, बसंत मानी रहते हैं, गंगने मानी आकाश में, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि सभी, नैता दृशा मानी एक समान नहीं होते। हे मित्र पपिया, सावधान होकर क्षण भर मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते। केचित ब्रष्टप आद्रयंती, केचित मानी कुछ, ब्रष्टप मानी वर्षा करके, आद्रयंती मानी भिगो देते हैं या गीला कर देते हैं, वसुधाम मानी पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जंत केचित व्यथा, और व्यथा मानी बेकार की, केचित मानी कुछ और गर्जंत मानी गर्जना करके, कुछ बेकार की गर्जना करके चले जाते हैं।
कुछ तो बादल बरसा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ बेकार की गर्जना करके चले जाते हैं। यम यम पश्यति, इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो तस्य तस्य पुरतो, उस से माँ मानी मत, ब्रह्म मानी बोलो, दीनम बचा, अर्थात याचना भरे वचन, हर किसी बादल को देख करके आप उनसे पानी की मांग ना करें। अगला देखें, ये पांचवा श्लोक देखें। नाव ये यहाँ पर सोने के विषय में बताया गया है कि सुवर्ण सोना देखे, चाहे उसे कूटा जाए, चाहे अग्नि के बीच तपाया जाए, चाहे पीटा जाए, चाहे बेचा जाए, चाहे खरीदा जाए, लेकिन सोना इस बात का कभी दुख नहीं करता है। सोने को सिर्फ एक बात का दुख होता है कि उसको सबसे निचली इकाई जो घुंघची होती है या रत्ती होती है, रत्ती सबसे छोटी इकाई होती है तौल की, माप की, तो उससे ये तोला जाता है। तो सोना यहाँ पर इस श्लोक में सोना बता रहा है कि ना तो मुझे बेचे जाने का दुख है, ना मुझे खरीदे जाने का दुख है, ना मुझे पिटने का दुख है, ना अग्नि में बीच तपाने का। मुझे सिर्फ दुख इस एक है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, ना वे ताड़नाथ, सोना कहता है, सुवर्ण कहता है, ना वे ताड़नाथ, ना तो मुझे पिटने का दुख है, तापनाद बहिमध्य, तापनाद मानी तपाने का, बहिमध्य मानी अग्नि के बीच तपाने का। सोना कह रहा है ना तो मुझे पिटने का दुख है और ना मुझे अग्नि के बीच तपाने का। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मुझे सिर्फ दुख एक है। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, मुख्य मानी एक, मुख्य मानी मुख्य, दुखम मानी दुख, तदेकम मानी एक है। सोना कह रहा है कि मुझे सिर्फ दुख एक है कि ये तो माँ जना, ये तो माँ मानी मुझको, जना मानी लोग, गुंजाया मानी रत्ती से या घुंघची से, तोलयंते मानी तोलते हैं। तो सोना कह रहा है कि ना मुझे पिटने का दुख है, ना अग्नि के बीच तपाने का, ना मुझे बिकने का दुख है, ना क्लश्मानू मसी, और ना मुझे खरीदे जाने का। ना तो मुझे पिटने का दुख है, ना अग्नि के बीच तपाने का, ना बिकने का दुख है और ना खरीदे जाने का। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, सोना कह रहा है कि मुझे सिर्फ दुख एक है कि लोग मुझे घुंघची या रत्ती से तोलते हैं। देखिए इसमें इसका भावार्थ है कि सज्जन लोग किसी बात से दुखी नहीं होते, सिर्फ सज्जनों को एक बात का दुख होता है कि उनकी तुलना हमेशा मूर्खों से की जाती है। तो यही बात यहाँ पर सोने ने कहा है कि हम सबसे नीची, सबसे निम्न, जो ग्राम की सबसे निम्न इकाई है रत्ती, उससे हम तोले जाते हैं, यही हमें दुख है। अगला देखें, लास्ट श्लोक, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। देखिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि एक बार एक भौरा संध्या के समय में, सूर्य अस्त होने वाला होता है उसी समय, एक भौरा कमल की पंखुड़ियों पर बैठा होता है और अचानक जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं वैसे ही कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं और भौरा उसमें बंद हो जाता है। जब भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है तो पंखुड़ियों में बंद होकर के वो कल्पना करता है, विचार करता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति मानी रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति मानी होगा। यहाँ देखिए गमिष्यति भविष्यति ये जो शब्द आए हैं ये भूतकाल के हैं, इनका मतलब गागी गेसे है। तो रात्रि गमिष्यति रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति मानी होगा, सुप्रभातम मानी अच्छा प्रभात। रात्रि बीत जाएगी और अच्छा सुबह होगा। भास्वान देश्यति, भास्वान मानी सूर्य उदय होंगे, जब रात बीतेगी और सुबह होगा
अच्छा सुबह होगा तो सूर्य उदय होंगे। हंसस्यति पंकजाल, हंसस्यति मानी खिल जाएंगी, पंकजाल मानी कमल की पंखुड़ियाँ। तो देखिए रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, भंवरा पंखुड़ियों कमल की पंखुड़ियों के अंदर बैठा हुआ विचार कर रहा है कि कह रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति मानी होगा, सुप्रभातम मानी अच्छा सुबह, भास्वान देश्यति सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाल, हसिष्यति मानी खिल जाएंगी, पंकजाल मानी कमल की पंखुड़ियाँ। इत्यम विचयंती, विचयंती कोश गते द्रेपे, इत्यम मानी यही, विचयंती मानी विचार करता है, कोश गते द्रेपे कमल की पंखुड़ियों में बैठा हुआ भौरा यही विचार कर रहा होता है। हा हंत, देखिए हा ये हाय शब्द का है, दुख का संबोधन है, इससे दुख प्रकट होता है, तो यहाँ पर भौरा कह रहा है कि हाय हंत मार दिया नलनी गज उजहार, अर्थात गज मानी हाथी ने नलिनी मानी कमल के डंठल को ही उखाड़ करके फेंक दिया, अर्थात हाय दुख कमल ने उस पेड़ को ही उखाड़ करके फेंक दिया। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में विचार करता रहता है कि हम ये करेंगे भविष्य में ये करेंगे, और कब उसकी मृत्यु आ जाती है उसे यही पता नहीं चलता, अर्थात उसके विचार सब अंदर ही अंदर रह जाते हैं।